जल्दी चंडीगढ़ की ट्रैफिक की समस्या खत्म होने वाली क्योंकि पंजाब और हरियाणा के ट्राई सिटी एरिया में मेट्रो आने वाली है। मेट्रो का पहला रूट पंजाब के न्यू चंडीगढ़ से शुरू होकर पीजीआई के सामने मध्य मार्ग से होते हुए रेलवे स्टेशन और फिर हरियाणा के पंचकूला की तरफ चला जाएगा। ये रूट पंचकूला के सेक्टर 5 के बस स्टैंड से होते हुए सेक्टर 28 जाएगा। वही दूसरा रूट सुखना लेक और रॉक गार्डन के पास शुरू होकर सेक्टर 17 और सेक्टर 43 के बस स्टैंड से होते हुए अली के सेक्टर 62 के बस स्टैंड पहुंचेगा। आगे ये रूट गुरुद्वारा सदान चौक से मुड़कर एयरपोर्ट चौक से होते हुए जीरकपुर बस स्टैंड तक जाएगा। तीसरा रूट सेक्टर 39 के ग्रेन मार्केट से शुरू होकर इसके थ्रू सेक्टर 47, 48 की लाइटों से मुड़कर ट्रिब्यून से होते हुए सेक्टर 26 ट्रांसपोर्ट चौक तक जाएगा। इसके अलावा बाद के फेसेस में जीरकपुर बस स्टैंड से पिंजौर तक और इधर एयरपोर्ट चौक से मानकपुर कलार तक भी मेट्रो चलेगी। 14,000 करोड़ के इस मेट्रो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अगले साल अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी। बाकी आपका इस मेट्रो प्रोजेक्ट पर क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताएं एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।